नमस्कार, मैं हूं नवजोत और मुद्दा में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली बीमार है, स्वाइन फ्लू और सामान्य फ्लू से हलकान है, लेकिन जिन डॉक्टर्स पर दिल्ली की सेहत को तंदुरुस्त करने का जिम्मा है, उन्हीं का एक तबका हड़ताल पर है। सवाल यह है, आखिर क्यों? एक जिम्मेदार नागरिक पर लापरवाह होने का आरोप यूं ही चस्पा नहीं किया जा सकता है। इस हड़ताल की कुछ तो वजह जरूर होगी, लेकिन डॉक्टर अगर हड़ताल पर जाने के लिए दोषी हैं, तो उनकी मांगों को लेकर अब तक संवेदनहीन रवैया अपनाने वाली व्यवस्था भी क्या दोषी नहीं है? ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी में इन दिनों अलग तरह की गहमागहमी है। यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों के इलाज की बजाय हड़ताल पर हैं। दीवारों पर बीमारियों से दूर रहने के पोस्टर की जगह मांगों से संबंधित पोस्टरों ने ले ली है। इलाज करने के बजाय डॉक्टरों का झुंड जगह जगह अपनी चिंताओं को लेकर बातचीत करने में मशगूल दिखाई देता है। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर 23 फरवरी से बेमियादी हड़ताल पर हैं। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टर्स की मांग के समर्थन में सफदरजंग, एम्स, लेडी हार्डिंग, बाड़ा हिंदूराव, बाबा साहब अम्बेडकर, DDU, महर्षि वाल्मीकि समेत 15 अस्पतालों के डॉक्टर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक की एक दिन की हड़ताल पर चले गए। डॉक्टर अस्पताल में काम करने वालों की सुरक्षा, जीवन रक्षक दवाओं की कमी दूर करने, खाली पदों को भरने और एडहॉक सिस्टम खत्म करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। चार मूलभूत डिमांड्स हैं। पहली चीज डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है, दूसरी चीज लाइफ सेविंग ड्रग्स और इक्विपमेंट्स की कमी होना है, तीसरी चीज जो वेकेंट पोस्ट्स हैं जो सपोर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स की हैं उसके बारे में, और चौथी चीज जो ये एडहॉक सिस्टम जो डॉक्टर्स के सर्विस गाइडलाइंस को लेकर चल रहा है उसके ऊपर है। हड़ताल की बुनियाद 22 फरवरी की रात तब पड़ी जब इलाज से असंतुष्ट एक मरीज के तीमारदारों ने डॉक्टर के साथ बदसलूकी की। गुरुवार को हड़ताली डॉक्टरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। जैन ने माना कि डॉक्टरों की मांग जायज है और जल्द ही डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी। उनकी जो जेन्युइन डिमांड थी सारी मान ली थी, ज्यादातर जेन्युइन ही थी, हमें लगा नहीं कि ऐसी कोई अनजेन्युइन डिमांड है, और डिमांड ठीक थी उसके लिए मान लिया गया था। हम तो ये नहीं कह रहे कि उनकी डिमांड है उसको नहीं मानेंगे। डॉक्टरों का दावा है कि हड़ताल का असर मरीजों को मिलने वाली सेवाओं पर नहीं पड़ा है, लेकिन मरीज और तीमारदार डॉक्टरों के इस दावे को झुठलाते हैं। ना कुछ बताते हैं कि मतलब क्या परेशानी क्या नहीं है, कभी कहते हैं ब्लड लेके आओ, कभी ये लेके आओ, ना कोई डॉक्टर देखने आता, और मैं पूछने आता हूँ क्या स्थिति है तो नहीं बताते हैं। कहते हैं कि 4 बजे आना, 5 बजे आना, फिर कहने लगे कि बच्ची आपकी बची नहीं। मैंने सर आप तो कह रहे ब्लड, मैं भी ब्लड लेके आया हूँ यहाँ पे, उसके बाद नहीं बच्ची, फिर बताया नहीं। मैंने पूछा क्या वगैरह, एलर्जी हुई थी बस। एक तथ्य ये भी है कि दिल्ली के अस्पतालों में हर वक्त क्षमता से ज्यादा मरीज होते हैं। इन दिनों जब दिल्ली स्वाइन फ्लू से लेकर दूसरी वायरल बीमारियों की चपेट में है, दिल्ली में स्वाइन फ्लू से अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, दिल्ली में डेंगू के मरीज भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में हड़ताल के प्रभाव से मरीजों को मिलने वाली सेवा पर असर नहीं पड़े, ये मुमकिन नहीं। बीमार दिल्ली को फौरी राहत पहुंचाने के लिए इस हड़ताल से मुक्ति दिलानी पड़ेगी। एक तरफ स्वाइन फ्लू का कहर, दूसरी तरफ डॉक्टरों की हड़ताल, मरीजों पर दोहरी मार पड़ी है। डॉक्टरों की हड़ताल कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन मरीजों की जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। तो देखा आपने किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं। तो दिल्ली में आज ज्यादातर सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एक दिन की हड़ताल पर रहे हैं, जबकि जीडीपी अस्पताल के डॉक्टर 5 दिनों से बेमियादी हड़ताल पर हैं। किन मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए हैं, हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने एक हड़ताली डॉक्टर से इसी मुद्दे पर बात की। दिल्ली के जीटीवी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल का आज 5वां दिन है, लेकिन आज दिल्ली के बाकी 14 अस्पतालों ने भी हड़ताल कर दी है। जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। क्या मांगे हैं, डॉक्टर एसोसिएशन के जो मेंबर हैं वो हमारे साथ हैं। आप बताइए सर, क्या आप लोग की डिमांड्स हैं, क्यों हड़ताल पे हैं? जीटीबी हॉस्पिटल में और जो ये पैन दिल्ली जो स्ट्राइक चल रही है, इसके पीछे 4 मूलभूत डिमांड्स हैं। पहली चीज़ डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है, दूसरी चीज़ लाइफ सेविंग ड्रग्स और इक्विपमेंट्स की कमी होना है, तीसरी चीज़ जो वेकेंट पोस्ट्स हैं जो सपोर्ट स्टाफ और डॉक्टर्स की हैं उसके बारे में, और चौथी चीज़ जो ये एडहॉक सिस्टम जो डॉक्टर्स के सर्विस गाइडलाइंस को लेकर चल रहा है उसके ऊपर है। इसमें मैं थोड़ा सा एलाबोरेट आपको अगर मुझे टाइम दे तो मैं करना चाहूँगा कि सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि हर
15-20 दिन में, 25 दिन में आप सुनते होंगे कि दिल्ली के किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर पिटा, तो उसका मूलभूत कारण जानना जरूरी है। मूलभूत कारण यह है कि जो सिस्टम है उस पर स्ट्रेस कितना है। मरीज की प्रताड़ना जो है वो गेट से शुरू होती है, ट्रॉली की कमी से लेकर, ट्रॉली खींचने वालों की कमी से लेकर, अंदर दवाइयों की कमी से लेकर, इक्विपमेंट की कमी से लेकर, और उनको दिए जाने वाले जो बेसिक टेस्ट हैं उसकी कमी को लेकर। तो बड़ी जाहिर बात है, जब इतनी चीज़ों की कमी होती है तो मरीज जो है वो एजिटेट होता है, गुस्से में आता है। यानी संसाधन की कमी है, इसका जो खामियाजा है वो डॉक्टर को भुगतना, खामियाजा डॉक्टर को तो बाद में भुगतना पड़ता है, सबसे पहले तो बेचारे मरीज को भुगतना पड़ता है। उसकी कोई गलती नहीं है कि उसको बेड ना मिले, उसकी कोई गलती नहीं है कि उसे दवाई ना मिले, इक्विपमेंट ना मिले, उसकी ये गलती नहीं है कि उसे बेसिक टेस्ट ना मिले। वो कुछ सोच के अस्पताल में आता है, दूर दूर से लोग, यहाँ से यूपी से भी आते हैं लोग इलाज कराने, दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। उनका जो बेसिक थॉट प्रोसेस होता है यहाँ आने का वो है कि हम यहाँ जाएंगे, हम गरीब लोग हैं, हमें फ्री में कुछ इलाज मिलेगा। पर अगर उन्हें यहाँ आकर भी दवाइयों के लिए खर्चा करना पड़े और जांचों के लिए खर्चा करना पड़े तो बड़ी जाहिर बात है उन्हें गुस्सा आएगा। और जो हम वन पेशेंट वन अटेंडेंट या उसकी बात करते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि अगर मरीज़ ज़्यादा बीमार है तो एक मरीज के साथ 3 अटेंडेंट हो तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब आप ट्रॉली खींचने के लिए उसको 2 अटेंडेंट चाहिए, टेस्ट कराने के लिए उस अटेंडेंट चाहिए, उसको बाकी चीज़ें खरीदने के लिए भी एक आदमी चाहिए, तो लोग इकट्ठे होते जाते हैं, गुस्सा बढ़ता जाता है, और जो सबसे सामने पड़ता है गुस्सा उस पर उतरता है। तो दिल्ली बीमार है, हड़ताल पर हैं डॉक्टर, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम खास मेहमान। मैं परिचय करा देती हूँ, दिल्ली से मौजूद हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर के अग्रवाल, बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक हमारे साथ जुड़ेंगी, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है जीडीपी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर अंशुमन रहेजा और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर अमर शेख, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जीडीपी अस्पताल से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूँ क्योंकि आप सुबह से रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, हम देख रहे हैं, डॉक्टर से भी आपने बात की, मरीजों से भी बात की, लेकिन ये बताएं कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो जरूरी सुविधाएं हैं यानी इमरजेंसी खुली हुई है, इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चल रही, क्या इतने भर से मरीज संतुष्ट हैं वहां पर? आपने क्या देखा दिन भर का हाल? देखिए, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी सेवा चल रही है, हकीकत क्या है? पेशेंट के तीमारदार हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। हड़ताल से क्या नुकसान हो रहा है आपको, क्या अब सुविधाएं मिल रही है कुछ आपको थोड़ी बहुत? हमें जो है लगभग यहाँ 17 तारीख को आए हुए हैं, हमारे दामाद हैं वो, और हड्डी का फ्रैक्चर है बहुत ज़्यादा पड़े हैं। सुविधा ये भी आज होगा, हड़ताल टूटेगी, जब तक जो है ऐसे ही चलता रहेगा हम बहुत परेशान हैं, ना तो उनको कहीं ले जा सकते हैं, ना कुछ बैठा सकते हैं, इतने सीरियस है, बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं इस समय। यानी हड़ताल की वजह से इलाज नहीं है? हाँ, इस टाइम कोई खास इलाज नहीं है यहाँ, इलाज नहीं है। आप बताइए भाई साहब, आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि सीनियर डॉक्टर यहाँ पे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, इलाज होता दिखा है यहाँ पे? नहीं, अभी इलाज नहीं हो रहा जी, यहाँ बिल्कुल भी। यहाँ लोग आते हैं, मरे हुई हालत में आएंगे, इतने एम्बुलेंस से उतर के वहाँ तक जाएंगे, इतनी देर में गार्ड उनको वापस भगा देते हैं। कईयों की हालत है, रोवा पीटी पड़ जाती है, बुरी हालत है, अंदर जाइए तो कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं है, और मतलब वो घुसने ही नहीं देते सर, इतना बुरा हालत है कि घुसने ही नहीं देते। ये मरीजों के तीमारदार हैं, साफ कह रहे हैं कि भले ही जो सीनियर डॉक्टर इस बात का दावा करें कि मरीजों का इलाज किया जा रहा है, उनका इनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन आरोप गंभीर है कि हड़ताल, एक तरफ तो हड़ताल है और दूसरी तरफ जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं। जी, आप रहिए हमारे साथ। और दो खास मेहमान, वैसे तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर अंशुमन आप ही से करना चाहूंगी। ये बताएं कि हड़ताल, ठीक है, सबसे पहले तो हमारा तो ये मानना है कि डॉक्टर्स को हड़ताल करनी ही नहीं चाहिए। आप ठीक है, कमियां हैं, सिस्टम में कमी है, स्टाफ की कमी है, उसको बताने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्या कि जब स्वाइन फ्लू से त्रस्त है दिल्ली, जब तमाम तरह की दूसरी बीमारियों से लोग परेशान हो रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और वहां पर उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्राइक के रीजंस हैं ये काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार स्ट्राइक हुई है आपकी बार, इससे पहले कई बार स्ट्राइक हो चुकी है। रीजंस हर बार सेम होते हैं, हर बार इमरजेंसी लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होते हैं, जब मरीज हमारे पास आता है इमरजेंसी में, उस समय जो हमें उनको दवाइयाँ देनी होती हैं उनकी, जो जिससे उनकी जान बच सकती है, वो दवाइयाँ भी अस्पताल में नहीं आती हैं। जैसे ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन के बारे में तो आप सबको पता होगा, नॉन मेडिकल लोगों को भी पता होगा, ऑक्सीजन मास्क तक हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अब मेरे पास कोई कैजुअलिटी में अगर कोई मरीज आता है उसको मैं ऑक्सीजन भी नहीं लगा सकता, तो आप मुझे बताइए मैं उनका इलाज कैसे करूं? नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन इसका इलाज इससे होगा कि आप लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे। आप अपनी मांगे रखिए, आप जो चीज, जिस चीज की कमी है उसकी आप उसको कहिए कि उस चीज को प्रोवाइड किया जाए, जरूरी सेवाएं, जिस तरीके से आप बता रहे थे मुझे कि स्टाफ की कमी है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जो आप बता रहे हैं वो भी हम कर चुके हैं,
डेढ़ दो महीने से पिछले, और पहले से तो चल ही रहा है काफी सालों से, पिछले डेढ़ दो महीने से हम अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिल रहे हैं, हर हफ्ते मिल रहे थे, उनको लेटर दे रहे हैं, हमने उनको एक लेटर दिया जिसमें सारे इमरजेंसी ड्रग्स जो हॉस्पिटल में नॉट अवेलेबल कहा जाता है, एनए कहा जाता है, वो है, उसकी लिस्ट दी उनको, उनसे मीटिंग की सारे एचओडी से कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, काइंडली इसको सॉल्व कीजिए आप और ये ड्रग्स मुहैया करवाइए, बिकॉज इस वजह से ही मरीज जो है उनको दिक्कत होती है, और मरीज को दिक्कत होगी तो डॉक्टरों को दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि उनका इलाज हमें ही करना है, अब हमारे पास दवाइयां ही नहीं होंगी तो हम कैसे करेंगे। तो डेढ़ दो महीने से हम उनसे लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमसे एक हफ्ते तक मिले भी नहीं, मीटिंग भी नहीं की। उसके बाद हम स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एससीएल दास जी से भी मिल चुके हैं, उनके पास उन्होंने भी हमें आश्वासन देके भेज दिया, लेकिन इसका कोई वो नहीं हुआ। ठीक है डॉक्टर अमर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर अंशुमन ने यहाँ पर बताया कि वेरियस रीजंस हैं जिस वजह से इनको हड़ताल पर जाना पड़ा, ये बताएं कि क्या ये इलाज ना करना, क्या यही इलाज ना करना और हड़ताल पर चले जाना यही एक रास्ता है, यही काली पट्टी बांध कर आप अपने सीनियर्स के सामने या फिर सरकार के सामने भी तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप कहें कि ठीक है हम इलाज करेंगे लेकिन ये हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, आप अपने प्रिंसिपल्स के पास जाइए। मैडम ये जो आप बातें बोल रहे हैं ये सब हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, पिछले डेढ़ दो महीने से हम, जैसे अंशुमन ने पर बोला, उसका विकल्प ये भी नहीं है कि आप मरीजों का इलाज छोड़ दें। नहीं नहीं हम मरीजों का इलाज छोड़ने वाली बात नहीं कर रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि डॉक्टर का फिजिकल प्रेजेंस होने से मरीज का इलाज नहीं होता, मरीज का इलाज उसकी दवाइयों से होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स होंगे उनकी वजह से होगा, जब तक वो इक्विपमेंट्स ही नहीं। आपने जैसे अपने स्वाइन फ्लू का एग्जाम्पल दिया, मैं स्वाइन फ्लू पर आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपके पास दवाई नहीं है, N95 मास्क नहीं है, आइसोलेशन वार्ड्स नहीं है, तो आप एक मरीज का इलाज कैसे करेंगे। ऐसा हम भी यही बात का कहना चाहते हैं, बात हम कई बार बोल चुके हैं कि मरीज का इलाज करने के लिए आपको कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं, बिना उसके आप इलाज कर नहीं सकते। लेकिन आपके हड़ताल पर चले जाने से क्या मरीजों का नुकसान हुआ या नहीं हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म में हाँ हो सकता है उनको थोड़ी तकलीफ हो, पर अगर इस वजह से उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, मान लीजिए उनको दवाइयाँ मिल जाती है, पर कहाँ बेनिफिट होता है? एक मिनट डॉक्टर, मैं आपको इसलिए रोकना चाहूंगी क्योंकि ये पहली दफा नहीं है कि यहाँ पर स्ट्राइक हो रही है, बहुत सालों से हम लोग देखते आए हैं, आए दिन डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, उसका फायदा तो कुछ हुआ नहीं है, नुकसान उल्टा मरीजों का होता है। नहीं तो that is what we actually wanted to change, कि अगर सेम reasons की वजह से बार बार स्ट्राइक हो रही है, so why is that the government or the administration is not paying any heed to it? उसको कुछ ना कुछ तो एक उसको ना उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना चाहिए ना, क्योंकि देखिए हमने कुछ बेसिक डिमांड्स किया, हमने दवाइयों की डिमांड की है, हमने इक्विपमेंट की डिमांड की, हमने कहा कि लैब सर्विसेज जो मरीजों को मिले वो मिले, कि मरीज के अटेंडेंट खुद ट्रॉली ना खींचना पड़े, कोई मरीज रात को इमरजेंसी में आता है, पाँव टूटा हुआ है, वो अपने लिए ट्रॉली कैसे खींच सकता है, आप बताइए। यानी मरीजों को दिक्कतें ना हो इसके लिए आपने हड़ताल की, लेकिन आपके हड़ताल पर जाने से कितनी दिक्कतें मरीजों को हुई हैं वो आपको दिखा देते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल की वजह से मरीजों को दिक्कत होना लाजमी है। एक पेशेंट हमारे साथ है, इनकी बिटिया हुई थी कुछ दिनों पहले अस्पताल में, इनसे हम बात करते हैं, क्या बताया था डॉक्टर ने आपको? उसमें सर ये बताई थी कि उनके इन्फेक्शन है बाहर, ये बताई थी मैंने, नॉर्मल हुई थी डिलीवरी, उसके बाद में भर्ती करी मैंने, उसकी हालत तो बिगड़ती चली गई, और ये बता रहे एलर्जी है बस, उन्होंने बताया कुछ और है नहीं। क्या सीनियर डॉक्टर यहाँ आते थे देखने के लिए? सर कोई मेरे को लगता सीनियर आता था, क्योंकि मैं चाहता था टाइम जो टाइम टेबल रखा था 12:30 बजे का, मैं आता था तो कहने 4:30 बजे आना, भी डॉक्टर आई उन्हें स्ट्राइक चल रही है इस वजह से, 4:30 बजे जब नहीं आते थे, फिर जब मेरी लड़की बहुत सीरियस होगी तो उन्होंने फ़ोन करा मेरे पास, कैसे ऐसे आपकी लड़की सीरियस है, ब्लड लेके आओ, फिर मैं ब्लड ले गया, फिर बुलाया, फिर 3:30 बजे बुलाया मेरे को, फिर कहने लगे कि ब्लड चढ़ाया पर मतलब आपकी लड़की सीरियस है, बस जो भी है हम आधे घंटे में बता देंगे आपको, फिर मुझे आधे घंटे उसकी बॉडी दे दी कि लड़की आपकी ख़त्म हो गई। आप बताइए क्या दिक्कत है आपको? देखिए डैडी को डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से लेके आए हुए हैं हम, और एक्सरे हो गए, सारे काम हो गए, पिन भी उसके अंदर टांग के नीचे घुसेड़ दिए उन्होंने, और अब ये कह रहे हैं कि साहब आप ले जाना चाहते हो तो किसी अस्पताल में और दिखा लो, अभी हड़ताल हमारे यहाँ चल रही है, अभी नहीं खुल रही। ये सिटी स्कैन होना आज, क्या कह रहे हैं आप? ये मना कर रहे हैं, ये होली से बाद कह रहे हैं, होली तक रहेगी हड़ताल, हाँ हड़ताल पर रहेंगे हम, इससे पहले नहीं होने का कुछ नहीं है। आप बताइए क्या दिक्कत है सर? हमारे 4-5% दौड़ रहा है, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर नहीं सुनता है, मेरे बच्चों की इलाज करवा रहे हैं, दवाई देता नहीं अंदर से, बिला देता है गेट पर से, पर्ची नहीं बनाता, डॉक्टर मेरे मर गया भैया, छपरा जिला से आया हूँ, बिहार से आया हूँ भैया,
हमारा कोई साधन नहीं हो रहा है भाई। क्या बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं? हम क्या करें कि मेरा ट्रैक्टर है नहीं, ये में जाओ 27 में जाओ, 28 में जाओ, 29 में जाओ, मैं कितना भटकूं सर, मैं कहां मर जाऊं बताओ। ये माँ बेटे हैं, इलाज के लिए यहां पर आए हुए थे। माँ के हाथ में चोट लगी है, बेटे के सर में भी चोट लगी है। आरोप ये है यहाँ पर आए इलाज कराने के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर इनका इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। वजह साफ है, हड़ताल चल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि जब हड़ताल खत्म हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर आइए, आपका इलाज किया जाएगा। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। तो डॉक्टर अंशुमन और डॉक्टर अमर, आप दोनों ने देख लिया कि हड़ताल पर जाने से, बहुत दूर से आए हैं मरीज, पर्ची नहीं बनती है, दवाइयां आप खुद ही कह रहे हैं कि दवाइयां क्योंकि वहां पर है ही नहीं तो उनको नहीं दी जा सकती। हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को भी ठीक करना जरूरी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हड़ताल पर जाने से वो सारी चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि आए दिन से हम देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर KK अग्रवाल भी मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगी, उससे पहले रागिनी और अनिल बलूनी जी हमारे साथ मौजूद है। रागिनी, आपके पास आना पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार के समय में आप लोग कहते थे कि हम बहुत सुविधाएं देंगे, हमने बहुत सुविधाएं दी हैं, अस्पतालों की हालत सुधरी है, बहुत बड़ा बजट आप लोग रखा करते थे मेडिकल के लिए, लेकिन ये बताएं 15 साल राज करने के बाद भी दिल्ली बीमार है। पंद्रह साल राज हम इसीलिए दिल्ली पर कर पाए क्योंकि हमने सुविधाओं के साथ साथ स्वास्थ्य को, स्वच्छता को, सुरक्षा को, सभी को अहमियत दी। दिल्ली में अस्पतालों की संख्या बढ़ाई, बिस्तरों की संख्या भी बढ़ाई, लेकिन पिछले सवा साल में कांग्रेस सरकार के जाने के बाद से जो लचर व्यवस्था हुई है। रागिनी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, मुझे आपको रोकना चाह रही हूँ, आप अपनी पूरा जवाब दीजिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से, जब से कांग्रेस सत्ता में नहीं है उसके बाद से, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये हम आज शो नहीं कर रहे हैं, इससे पहले मैं ही आपसे बहुत बार बहस कर चुकी हूं इन मुद्दों पर कि सरकार क्यों सुविधाएं नहीं दे रही है। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, वो आपको बताएंगे, आज की बात नहीं है, सालों से चलता है। इक्विपमेंट्स की कमी है, स्टाफ की वहां पर कमी है, प्रॉपर स्टाफ वहां पर नहीं है किसी भी चीज, और स्वास्थ्य सुरक्षा की आप बात करते हैं, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैंने आपकी पिछले, सुन लीजिए, अब आपने पैनलिस्ट को बुलाया तो सुन भी लीजिए ना, पिछले 20 मिनट से मैंने सारी रिपोर्ट देखी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हमने एक बहुत ही आइडियल और परफेक्ट सिचुएशन दिल्ली में बना दी, लेकिन इस तरीके का डेडलॉक आपने सरकार और डॉक्टर्स के बीच में पहले नहीं देखा होगा। जब डॉक्टर्स ये कहने के लिए आमादा है कि सरकार के पास एक्शन प्लान भी नहीं है। डॉक्टर्स, मैं बिल्कुल आपकी बात ये मानती हूं कि पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, और आज जब दसियों, सैकड़ों, हजारों पेशेंट, जब स्वाइन फ्लू बहुत बड़ी आपदा के रूप में, राष्ट्रीय आपदा के रूप में सामने आकर खड़ा है, तो ऐसे में डॉक्टर्स को भी संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। पर जब आप उनकी मांगों की तरफ देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि अतिशयोक्ति से परिपूर्ण नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं होंगे, अगर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगा, तो हम वहां पर खड़े भी रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे। और ऐसी व्यवस्था में, जबकि उनके पास अटेंडेंस नहीं है, जब स्टाफ नहीं है, जब लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है, और दूसरी तरफ से सरकार के साथ संवाद भी नहीं है, तो मुझे लगता है डॉक्टर्स को भी तो आम आदमी की तरह से देखना चाहिए, सरकार को संवेदनहीनता अपनी त्यागनी चाहिए और एक एक्शन प्लान के साथ डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर सरकार दो कदम आगे चलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर्स भी दो कदम पीछे होकर स्ट्राइक को रोकने की कोशिश करेंगे। अनिल बलूनी जी, कि स्वाइन फ्लू आज राष्ट्रीय आपदा है और 14 अस्पताल जिसके डॉक्टर्स, एक मिनट 10 सेकंड लूंगी, 14 अस्पताल जिसके डॉक्टर्स स्ट्राइक पर गए हैं, वो सरकारी अस्पताल, उनमें से केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पताल भी हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल भी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? नड्डा जी भी केवल आश्वासन ही दे रहे हैं, उनके पास क्या 700 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से मर चुके हैं पूरे देश में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों सरकारों के ऊपर आज बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। रागिनी, हमारे साथ अनिल बलूनी जी भी मौजूद है। अनिल जी, आज सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि वो तमाम राज्य जहां जहां जरूरत है, स्वाइन फ्लू है, कहर बना हुआ है, जहां जहां जरूरत है केंद्र सरकार की मदद की, हम मदद करेंगे, लेकिन राजधानी का क्या? वो अस्पताल जो कि सेंटर के अंडर आते हैं वहीं पर स्ट्राइक हो रही है, मरीजों को इस तरीके से, आपने सुना मरीजों ने क्या कहा, पर्ची तक नहीं बन रही है। और तो छोड़िए, डॉक्टर्स जो है वो मेरे साथ बैठे, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास वहां पर ना दवाइयां हैं, इक्विपमेंट्स तक नहीं है। देखिए नवजोत जी, अभी जो रागिनी जी ने कहा, मैं इस मामले का, एक बड़ा गंभीर मामला है
इसका मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। जो जो रागनी जी ने कहा कि 15 साल इन्होंने क्या गजब कर दिया, मैं इन सब पे नहीं जाना चाहता कि इन्होंने 15 साल के अंदर क्या क्या किया। मैं सब बातें नहीं करना चाहता क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। दिल्ली में इस वक्त स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, दिल्ली में इस वक्त वैसे एक जनरल फ्लू भी चल रहा है, जो लोग काफ़ी फ्लू से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारी जहाँ तक सरकार, मेरी अभी तक बात हुई है, केंद्र के जितने भी हमारे अस्पताल हैं वहाँ सब जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है उनसे बात हुई है और वो सब सेटिस्फाइड हैं, और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी बात हुई है। और वो जो मुख्य रूप से उनका मुद्दा था कि जो जीटीबी अस्पताल में हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में आज की है। अच्छा होता कि आप दिल्ली सरकार के किसी प्रतिनिधि को भी यहाँ पर रखते तो अच्छा, वो कम से कम दिल्ली के अस्पतालों के बारे में बता पाता। केंद्र सरकार की हमारी जहाँ तक अस्पताल हैं उसके बारे में जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से जो डॉक्टरों की जो जो डिमांड्स है, जो तर्कसंगत डिमांड है, उनको मानने में हमें कहीं दिक्कत नहीं है। उन पर बातचीत चल रही है और उसमें सहमति भी बन चुकी है, वहाँ दिक्कत नहीं है। भले ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई हमारे साथ ना हो, लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल जरूर हैं, जो कि दोनों अस्पतालों की सेहत के बारे में अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी सुनवा दें, वो शपथ जो कि डॉक्टर बनने से पहले शपथ लेते हैं, क्या कुछ किस तरीके से वो शपथ ली जाती है, ये हम आपको दिखाएंगे। और तमाम खास मेहमान है, डॉक्टर के अग्रवाल से भी मैं जानूंगी कि किस तरह की सुविधाएं अस्पताल में हैं और कहां कहां कमी है और क्या ये हड़ताल नैतिक है या अनैतिक है। तो आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की मांग के समर्थन में आज दिल्ली के 15 अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए। ज्यादातर अस्पतालों के डॉक्टर्स को सुरक्षा इंतजामों को लेकर सरकार और प्रशासन से शिकायत है। और सफदरजंग अस्पताल के हड़ताली डॉक्टर्स इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी रेजिडेंट है, हम यहाँ पे 30-30 घंटे की ड्यूटीज़ लगती है, हफ्ते में 3 बार लगती है, हम लगातार करते हैं ड्यूटीज़, पर फिर भी यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं जो बिल्कुल भी नहीं है। रात रात में हमें जाना पड़ता है, सिक्योरिटी की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, लेडीज़ के लिए सिक्योरिटी नहीं है और हॉस्टल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ऊपर से 24 आवर्स ड्यूटी होती है, तो मतलब वन से वीक में हम 48 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं, विच इज़ नॉट अलाउड बाई सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। 12th को दी थी हमने हेल्थ मिनिस्टर को लेटर कि हमारी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सॉल्व किया जाए, जेन्युइन सी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकती है, लेकिन अभी तक आज तक तो किसी ने हमारे से कोई संपर्क नहीं किया। चलिए इस वक्त डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी और उससे पहले ये भी बता दें, डॉक्टर साहब आती हूं आपके पास, उससे पहले बता दें कि वो शपथ हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं जो कि डॉक्टर बनने से पहले डॉक्टर्स शपथ लेते हैं। मैं अपोलो वैद्य, साइकुलेसियस, हाइजिया, पेनासिया और अन्य देवी देवताओं की कसम खाता हूँ और उन्हें हाजिर नाजिर मानकर कहता हूँ कि मैं अपनी काबिलियत और परख शक्ति के मुताबिक इस शपथ को पूरा करूँगा। जिस इंसान ने मुझे ये पेशा सिखाया है मैं उसका उतना ही गहरा सम्मान करूँगा जितना अपने माता पिता की करता हूँ। मैं जिंदगी भर उनके साथ मिलकर काम करूँगा और उसे अगर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो उनकी मदद करूँगा। उनके बेटों को अपना भाई समझूंगा और अगर वे चाहे तो बगैर किसी फीस या शर्त के उन्हें सिखाऊंगा। मैं अपने बेटों, अपने गुरु के बेटों और उन सभी विद्यार्थियों को तालीम दूंगा जिन्होंने चिकित्सा के नियम के मुताबिक शपथ खाई और समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैं उन्हें चिकित्सा के उसूल सिखाऊंगा, जुबानी तौर पर हिदायतें दूंगा और जितनी बाकी बातें मैंने सीखी है वे सब सिखाऊंगा। मरीज की सेहत की खातिर अगर मुझे खान पान में परहेज करना पड़े तो मैं अपनी काबिलियत और परख शक्ति के मुताबिक ऐसा जरूर करूंगा। किसी भी नुकसान या नाइंसाफी से उनकी हिफाजत करूंगा। मैं किसी के मांगने पर भी उसे जहरीली दवा नहीं दूंगा और ना ही ऐसी दवा लेने की सलाह दूंगा। उसी तरह मैं किसी भी स्त्री को गर्भपात की दवा नहीं दूंगा। मैं पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी और अपनी कला की हिफाजत करूंगा। मैं किसी की सर्जरी नहीं करूंगा, उनकी भी नहीं जिसके किसी अंग में पथरी हो गई हो, बल्कि ये काम उनके लिए छोड़ दूंगा जिनका ये पेशा है। मैं जिस किसी मरीज के घर जाऊंगा उसके फायदे के लिए ही काम करूंगा, किसी के साथ जानबूझकर अन्याय नहीं करूंगा। हर तरह के बुरे काम से, खासकर स्त्रियों और पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध रखने से दूर रहूंगा।
फिर चाहे वे गुलाम हो या नहीं। इलाज के दौरान या दूसरे वक्त पर अगर मैंने मरीज की निजी जिंदगी के बारे में कोई ऐसी बात देखी या सुनी जिसे दूसरों को बताना बिल्कुल गलत होगा, तो मैं उस बात को अपने तक ही रखूंगा ताकि मरीज की बदनामी ना हो। अगर मैं इस शपथ को पूरा करूं और कभी इसके खिलाफ ना जाऊं, तो मेरी दुआ है कि मैं अपने जीवन और कला का आनंद उठाता रहूं और लोगों में सदा के लिए मेरा नाम ऊंचा रहे। लेकिन अगर मैंने कभी ये शपथ तोड़ी और झूठा साबित हुआ, तो इस दुआ का बिल्कुल उल्टा असर मुझ पर हो। डॉक्टर के अग्रवाल, आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर बनने के बाद क्या वाकई सबको ये शपथ याद रहती है या नहीं? जी, हमारे यहाँ पे जो शपथ होती है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की होती है। मोटे मोटे तौर पे जो इन्होंने बोला, काफी सारी चीजें उसकी सिमिलैरिटीज है, बट इशू यहाँ पर दूसरा है। सबसे पहला इशू मेरा ये है कि सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सामान नहीं है, ड्रग्स नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, और हेल्थ मिनिस्टर कहता है कि हमारे पास में 6,000 करोड़ हमने इसलिए लैप्स कर दिया क्योंकि वो यूज नहीं हुआ। क्या जरूरत थी इस 6,000 करोड़ को लैप्स करने की, जब सरकार, जब हमारे अस्पतालों में इमरजेंसी केयर अवेलेबल नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ में? जो है दिल्ली आरोग्य निधि के अंदर में 100 करोड़ रुपया है, जिसका 10 करोड़ रुपया अवेलेबल है फॉर मेडिसिन एंड इमरजेंसी केयर, और लास्ट 2 साल का डाटा देखें तो 2 करोड़ से ज्यादा कभी खर्च नहीं हुआ। जब दिल्ली सरकार के पास में 8 करोड़ रुपया दिल्ली आरोग्य निधि के अंदर में पड़ा हुआ है इन चीजों के लिए, तो क्यों नहीं वो इसको अवेलेबल कराती? आज मेडिकल स्ट्राइक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, स्ट्राइक इज एन इमरजेंसी, ऑलवेज रिमेंबर इट्स ए मेडिकल इमरजेंसी, एंड स्ट्राइक इज ऑल्सो ए मेडिकल नेग्लिजेंस। सुन लीजिए, स्ट्राइक इज ऑल्सो ए नेग्लिजेंस। अगर वो डॉक्टरों के लिए नेग्लिजेंस है तो सरकार के लिए भी नेग्लिजेंस है, क्योंकि सरकार को स्ट्राइक होने देना नहीं चाहिए। इस भारत बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार और आप सरकार में फर्क क्या रहा? अगर आप स्ट्राइक होने दे रहे हो, जब आप ये कह सकते हो 24 घंटे के अंदर में मैंने इतने बिजली फ्री कर दी, मैंने इतना पानी फ्री कर दिया, तो आप इन डॉक्टरों की डिमांड को 12 घंटे में क्यों नहीं आप सॉल्व कर सकते? इसमें ऐसी कौन सी डिमांड है? पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, बजट आपके पास पड़ा हुआ है, जितना अगर आप बोलते हो कि मेडिकल डॉक्टर्स की गलती है, तो उससे ज्यादा गलती सरकार की है, जिनको इमीडिएटली घंटों के अंदर में ये जो डिमांडें हैं तो घंटों के अंदर में सॉल्व होने वाली है। मेरे दो सवाल हैं आपसे डॉक्टर केके अग्रवाल, मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला सवाल तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप आरोप लगा रहे सरकार पर, ये बताइए कि जब भी हड़ताल, ये आज की हड़ताल नहीं है, आप और हम दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं और हमारा आप इसी मंच पर कई बार बात कर चुके हैं कि हड़ताल क्यों होती है क्यों नहीं, आप लोग पहली बार क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं उन डॉक्टर्स के खिलाफ जो हड़ताल पर जाते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं अनैतिक है? और दूसरी बात, अगर डॉक्टर्स सही जा रहे हैं हड़ताल पर, आपने कहा कि इमरजेंसी केस में डॉक्टर्स जाते हैं, तो फिर ये आपका फर्ज नहीं बनता कि सरकार के पास जाएं, उनसे मांगे कि भाई जिस चीज की कमी आप उसको पूरा कीजिए? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इस वक्त में सिचुएशन आज की डेट में आप लेके चलिए, इस वक्त में जो दायित्व है वो भारत दिल्ली सरकार का है, नड्डा जी की सरकार का है, भारत सरकार के अंदर में, कि वो इंटरवीन कर रहे हैं इससे पहले कि हाईकोर्ट इंटरवीन कर रहे हैं, सुमोटो आप लोग इंटरवीन कर रहे हैं। इसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो आप घंटों में पूरा नहीं कर सकते। आप करवा सकते थे, रेजिडेंट डॉक्टर्स अपने एचओडी को, एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर अपनी डिमांड रख सकते हैं, उसके बाद पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये सारी डिमांड रखना और करना ये सरकार का दायित्व है। इस वक्त में जो डिमांड ही मांग रहे हैं, एसेंशियल ड्रग्स की पैसों की कमी नहीं है, फ्री ड्रग्स की, इन्वेस्टिगेशंस की पैसों की कमी नहीं है दिल्ली सरकार के पास में, वैकेंसी को फुल करना पैसों की कमी नहीं है, सिक्योरिटी एक फंडामेंटल राइट है डॉक्टरों के लिए, एडहॉक को परमानेंट करना, ये सारे डिसीजन में ऐसा कौन सा डिसीजन है जो ये बच्चे लोग 2 हफ्ते से या 2.5 महीने से लड़ रहे हैं और इसके लिए आप 24 घंटे में डिसीजन नहीं ले सकते? मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। ये जो डिमांड है, देखिए, आप भी मान रहे हैं कि इमरजेंसी एक्सट्रीम केस में वो हड़ताल पर गए, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या कर रहा है फिर? देखिए, इंडिया जो स्टेट, दिल्ली स्टेट मेडिकल एसोसिएशन है, इन लोगों के साथ में मिलके, ये लोग भी मिल चुके हैं सरकार के साथ में, और अगर वो नहीं सुनते हैं तब जाके ये स्ट्राइक का मुद्दा आता है। मैं इस वक्त में ये नहीं कह रहा कि स्ट्राइक सही है कि गलत है, मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार 2 घंटे के अंदर में, जो आप सरकार कहती है कि हम लोग तो धरने में बैठ जाएंगे, वो खुद ही कहती है धरने में, जब वो खुद बैठने को तैयार है तो धरना होने क्यों दे रहे हैं, जब उनको पता है कि सिचुएशन में धरना, धरने पे लोग जा सकते हैं। रागिनी, देखिए नवजोत, मैं डॉक्टर साहब की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि स्ट्राइक हमेशा लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए,
और ताली एक हाथ से भी नहीं बचती। डॉक्टरों की भी का एक बड़ा दायित्व है, एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति, मरीजों के प्रति, लेकिन सरकार की उससे बड़ी दायित्व है कि वो ऐसी समस्याओं का निदान ढूंढें। अभी अनिल बलूरी जी ने कहा कि वो गंभीर समस्याओं का राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं। मैं ये कहूंगी कि सरकार का दायित्व है कि वो गंभीर समस्याओं के निदान के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाए। मैं 21 जनवरी 2014 की भी आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब ऐसे ही गेस्ट टीचर्स, जो सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर दिल्ली में पढ़ाते हैं, वो भी धरने पर बैठे थे क्योंकि वो केजरीवाल जी से मिलना चाहते थे और वो संपर्क ही स्थापित नहीं हो रहा था। तो ऐसे में सरकार को प्राथमिकता निश्चित भी करनी पड़ेगी कि दिल्ली में इतना बड़ा क्राइसिस हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, इसका निदान कुछ ना कुछ तो होगा। और एक बात और जोड़ूंगी, एक्शन प्लान की जहां बात आती पहली बार नहीं हुई है, पंद्रह साल से जब उनकी सरकार थी तब भी ये प्रॉब्लम यहां पे थी, वाईफाई की उनकी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सिक्योरिटी के इश्यूज काफी सालों से उठ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे बड़ी बड़ी स्ट्राइक पहले हो चुकी है। हर बार डॉक्टर्स को एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही स्ट्राइक पर जाना पड़ता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की या आपकी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सामान चाहिए, हमें दवाइयां चाहिए, हमें ऑक्सीजन मास्क चाहिए और हमें सिक्योरिटी चाहिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल ने अभी कहा। ठीक है बलूनी जी, आपका जवाब लूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, मैं आपका जवाब लूंगी, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो चलिए, दिल्ली बीमार है और डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। अनिल बलूनी जी कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। बलूनी जी संक्षेप में, क्योंकि मेरे को आखिरी रिएक्शन डॉक्टर अग्रवाल से लेना है। देखिए नवजोत जी, मैं थोड़ा सा, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से डॉक्टरों की ये, आज हमको जैसे ये पता लगा, हमारी सरकार ने तुरंत जो हमारे केंद्र के अस्पताल हैं, चाहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हो या सफदरजंग हो, इनके डॉक्टर्स के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात कर ली थी, उनकी जो भी तर्कसंगत मांगे हैं उनको तुरंत हमने बोला कि इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर देंगे। जहाँ तक दिल्ली के जो अन्य अस्पताल हैं, मैं डॉक्टर्स के प्रतिनिधि आपके साथ पैनल पर बैठे हैं, मेरा इनसे आग्रह है कि ये समय बहुत ऐसा समय है कि दिल्ली को इस वक्त ज़रूरत है। इस वक्त स्वाइन फ्लू फैला है, अलग अलग तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं, ये लोग इस वक्त जनता का कोई भी नुकसान न करें, इनकी जो मांगे वो सरकार से रखें और निश्चित तौर पर अगर हमारी कहीं मदद की जरूरत है तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे ख्याल से मांगे बहुत बार रखी गई हैं। दूसरी बात नवजोत जी, मैं जरूर रागिनी जी को एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि क्या रागिनी जी बताएंगी, ये अभी 15 साल गिना रही थी, केंद्र के 10 साल गिना रही थी, क्या अभी सुरक्षा की समस्या पैदा हुई है? तो वो डॉक्टर के अग्रवाल, क्या आप इंश्योर करेंगे कि डॉक्टर्स को भी सुविधाएं मिले, अस्पताल में सुविधाएं मिले, ताकि उसके बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर ना जाएं? देखिए ये क्योंकि दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर में स्ट्राइक हो रही है तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन हमारी स्टेट ब्रांच इनको इंटरफियर कर रही है। हम कल ही सरकार से, दिल्ली सरकार से, एज ए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एज ए सेंट्रल बॉडी, हम इंटरफियर करेंगे, दिल्ली सरकार से भी बात करेंगे, भारत सरकार से भी बात करेंगे। लेकिन हमारी बात करने से पहले हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर और भारत के हेल्थ मिनिस्टर नेक्स्ट 2 घंटे में इसको सॉल्व कर देंगे, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं करते हैं तो उनकी भी उतनी ही लायबिलिटी आएगी जितनी की मेडिकल प्रोफेशन की लायबिलिटी आएगी अगर किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है तो, क्योंकि इसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, ऑन द स्पॉट डिसीजंस लिए जा सकते हैं, उन्हें सैंक्शन करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने कहा है मैंने 6,000 करोड़ लैप्स किया है, वापस मांगिए, उससे अपने को पूरा करिए, दिल्ली सरकार के पास में पैसों की कमी नहीं है और आप ये डिमांड्स को 2 घंटे में सॉल्व कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को, ये भारत के हेल्थ मिनिस्टर को, और शायद ये डिमांड सॉल्व होती दिख भी रही है क्योंकि खबर ही आ रही है कि हेल्थ मिनिस्टर के हवाले से खबर आ रही है कि अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने, 13 अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक वापस ले ली है, सिर्फ एक अस्पताल बचा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर्स की मांगे भी पूरी होंगी। जी हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की मांगे भी पूरी होंगी, हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझेगा और उसके बाद शायद मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो। माफ कीजिएगा रागिनी, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुद्दा में इतना ही।